गोवा शिपयार्ड ने बनाया हुआ है और चार शिप जिस तरह से गोवा शिपयार्ड बनाएंगे, और इसके साथ साथ दो शिप का भी आज इनॉग्रेशन हुआ है, छोटे शिप जो है C-450 C-451 इनका भी इनॉग्रेशन हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक बड़ी संस्था है, उनके पास मोर देन 150 से ऊपर इसी तरह से जहाज है छोटे मोटे, और जो हमारी समुंदर की सरहद है उस सरहद में अपना प्रोटेक्शन का इस देश को सिक्योरिटी देने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह से काम किया है, सभी ओर से सभी फ्रंट से काम किया, लोगों को बचाने के लिए, सबली रोकने के लिए, ये सब कुछ काम जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। मैं देश की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, और आने वाले समय में दो शिपयार्ड इसी तरह के और चार, मैंने जैसा मैंने कहा कि और चार शिप्स उनको दे देंगे, और समुद्र के जी ताकत जो हमारी है और निश्चित तौर से बढ़ेगी। मैं आज के शुभ दिन में सबको शुभकामनाएं। सर, लॉकडाउन की वजह से और ये कोविड की वजह से जो डिलीवरी डेट्स थे ऑफ रेस्ट ऑफ द शिप्स, वो क्या आगे ढकेले जाएंगे? पूरी डिलीवरी डेट के साथ साथ उसी डेट में देने की कोशिश हमारे CM जी और अभी सभी लोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है जिस तरह से वो काम करते हैं वो सही डेट पे उसी डेट पे वो देने का होगा, ऐसा मुझे। सर, डिफेंस सेक्टर में कैसे देख रहे कोविड को, इन नेवी में रहते हैं, कोस्ट गार्ड में? सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहुत सारे जवान हैं जिन अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन। संकट जो गहरा संकट है पूरी दुनिया पर आया हुआ संकट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हमने बहुत कुछ इसको कंट्रोल किया हुआ है, और आज भी हमें आगे जाके भी सब लोगों को मिलकर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कुछ शर्तें हैं, जो कुछ रूल रेगुलेशन है, यदि हम उस रूल रेगुलेशन के साथ गए तो निश्चित तौर से हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा सा हुआ है और उसको क्वारंटाइन किया गया है, और भी डैमेज कम हो ये कम करने के प्रयास पूरे हमारी सेना के। क्योंकि सर, अनदर थिंग, गोवा में की इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, सो डिफेंस के बहुत सारे ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस। सर, परसों एक हमारी मीटिंग हो गई, उसे बात हुई है, जो कुछ छोटे मोटे काम बचे हुए हैं, जो कि लैंड ट्रांसफर हुआ और कुछ परमिशन उसका काम चल रहा है, मैं उसके परमानेंट उसके टच में हूँ, और भी कई डिफेंस के प्रोजेक्ट गोवा में लाने की हमारी कोशिश। सर, फाइनेंशियल पैकेज है गोवा में भी? हाँ, सभी राज्यों को वो पैकेज समान रूप से मिलेगी। लेबर क्लास जो है, MSME की जो छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, सबको इस पैकेज का लाभ मिलता है।